नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 58 में। बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ एक महिला की मौत हो गई है। जानेंगे क्या हुआ है। जी, घर से चले थे हम 4:30 बजे, यहाँ बीनते बीनते हमें 6 बज गए। 6 बजे से इन्होंने की गए अभी मैं इधर जा रही हूँ, तुम परे चली जाओ। कोई निशान नहीं था, ना कोई गाल पे, ना हाथों में, कुछ भी नहीं था। जे दो जनी इधर आई है जी, हम 3 जनी परे चले गए। इसके साथ में नहीं है, पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा इन्होंने। यहाँ से जला भी रखी है इसको, पीछे भी जला रखी है, हाथ भी जला रखे हैं इसके। इसके साथ में पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा जी। क्या नाम था? शबनम नाम था जी। यही रहते हैं आप? राजीव कॉलोनी रहते हैं। 3 बच्चे हैं जी इसके। आज की घटना? आज की है, 6 बजे की। जे पहले से भी काम करते ना? शुरू से ही कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं जी। कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं जी, बस यही काम है हमारा, कूड़ा। कोई बात वैसे कुछ हुई हो और शक वगैरह? शक वगैरह का जी जे कंपनी वालों ने मारा है। आज तो इसके साथ है सर, कल हमारे साथ है, हम काम। एक लड़की को मारी थी इन्होंने बेल्टों से, उनसे इन्होंने कोई कुछ उठा रही होगी कील वील, तो इन्होंने कंपनी वालों ने बेल्टों से मारी थी। सवेरे की पकड़ी पकड़ी, शाम को छोड़ी थी उसे पीट पीट के। इतना बुरा हाल करा था उस लड़की का। इस लड़की को इतनी बुरी मारी है कि उसकी चूड़ी भी वहीं पड़ी है, कपड़े भी उसके वहीं पड़े हैं। कहाँ पड़ी मिली? इस कंपनी में मैं मिली है, अंदर मिली करंट लगा लगा के इसको मारी है बेचारी को। ये कंपनी वाले ना यही काम करते हैं कि बाहर से ले जाते हैं और अंदर मार के ना जब बाहर डालते हैं, या तो मालिक है या वर्कर है, होते रहते हैं। हाँ, होता ही रहता है इस कंपनी पर। और कोई भी कंपनी वाला नहीं है, यही कंपनी वाला और ये चाय वाला ना, ये मिला हुआ मालिक के साथ है या वर्करों के। इसे चाय वाले को पूरी हकीकत पता है। ये बाहर से ले जाते हैं लेडीज, जैसे कूड़ा पन्नी बीनती है ना, गत्ता पन्नी बीनती है, को अंदर ले जाते हैं, खींच के वहाँ से मार के बाहर निकालते हैं। तो जी हमें जबरदस्ती खींच के और नापे मारती है। ये कंपनी वाला यही काम करता है। गुंडे लुच्चे हैं जे, अंधेरे का थोड़ा अंधेरा सा हुआ, फायदा करा उसे ले गए खींच के, थोड़ा सवेरा तो अंदर खींच के ले गए, मार के ना फेंक दिया ऑटो के पास। चाय वाले का खोखा ना 4 बजे खुल जाता है, पूरी सच्चाई चाय वाले को पता है। अंदर ले जाके उसको पता नहीं करंट लगाया कैसे, मार के और फिर यहाँ डाल दिए उसको। करंट लगने के निशान? हाँ, निशान है गाल पे भी उसके, नहीं उसका कोई निशान नहीं था कुछ भी। अब सिर्फ गुटखा नहीं खाती, तम्बाकू खाती है, कुम्हेर तमाकू खाती है और नशे की चीजें रख रखी है। नशे की चीजों से कोई आदमी मरते है? खुद बेचता है नशे का सामान और उसके पास रख रखे गए, नशा करके मर गई। उनकी डेड बॉडी थी, उसके पास नशे का सामान था। नशे का सामान पड़ा, इन्होंने खुद रख रखा था। चाय वाला ये खुद चाय वाला बेचता नशे का सामान, चाय वाला जब से भगा पड़ा है। नहीं, यही कराते हैं इस कामों को। एक चाय वाला हुआ और एक कंपनी वाले मिल जाते हैं, ये मजदूर लोग अन्य पकड़ लेते हैं, मारते हैं। अब नौबता ये लोहिया चुराएंगे, ये बच्चे पालने में चाहिए। खेती है जो हम खेत करके खाएंगे, हम तो कूड़ी कबाड़ा बीन के अपना पेट भरते ही है। मर्डर करा इसका, सामान के साथ फेंक दिया के चोरी कर रही थी, कोई चोरी नहीं कर रही। अच्छा, ये लोग ये कह रहे हैं कि चोरी कर रही थी कंपनी में से। हाँ, कि कंपनी में से चोरी कर रही थी, कुछ भी नहीं करा उसने, खाली मर्डर करके यहाँ फेंक दिया उसका, लिटाल दिया के चोरी कर रही थी, करंट लगा के मारी, उठ जाता अकेली पे। चोरी अगर कर रही थी तो पुलिस बुलानी चाहिए। पुलिस बुलाते या कंप्लेंट देते, थाने में बंद करवा देते। से मारते ना, लाठी से मारते, खाली बिजली से मारते, पुलिस इंक्वायरी ना निकाल सकती। बिजली से चिपकाते, चिपका के बाहर पटक देते, यही काम है इनका। बिजली से चिपक के खुद मर गई। ये बेइज्जती भी करते हैं, पहले भी एक लड़की को सुबह से पकड़ के मार लगा के शाम को छोड़ी इन्होंने। इन्हों का काम ही जी है अभी यहाँ पे, वो लड़की अभी नहीं है जी यहाँ पे, मगर उसको मार के सुबह और शाम को छोड़ते हैं जी। इन्हों की यही खूबी है, पुलिस में रिपोर्ट कर दो तो कोई इंसाफ ही नहीं होता जी किसी चीज का। तो आप लोगों ने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट करी थी पहले? पहले कभी नहीं करी। हम कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं सर, हम क्या करेंगे किसी की रिपोर्ट? कूड़ा कबाड़ा बीनने वाला हो कोई भी हो, पुलिस की मदद तो सब ले सकते हैं। अरे जी, हम ऐसा काम ही नहीं करते हैं, कोई चोरी करते नहीं है हम। चोरी नहीं, जब आपकी लड़की को पीटा गया यहाँ सुबह से शाम तक, तो आपने पुलिस को नहीं बोला कि हमारी लड़की को बांध? चक्कर क्या है ना मैम, शाम को ही तो पता लगी कि बच्ची यहाँ पे बंद है, बड़ी मुश्किल से तो ये छोड़ते हैं। हाथ जोड़े पैर छुए इनके, इनकी मिनती करी हाथ जोड़ जोड़ के, जब इन्होंने छोड़ी। औरत के संग टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करके बेइज्जती करके उसका मर्डर करके फिर बाहर फेंक देते हैं।
ये तीन बच्चे हैं इसके छोटे छोटे, ये बच्चे हैं। तुम बताओ इनको कौन पालेगा छोटे बच्चों को, एक लड़का। अब ये बच्चों का साथी कौन बनेगा? उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ा सवाल है। तीन बच्चे हैं, दो बेटियां हैं, एक बेटा है, और जो महिला है उसको मारकर जैसा आरोप लगाया जा रहा है। जब कबाड़े वाली बीन निकलती है ना, जब नौ कहते हैं कि हमें एक लड़की ला दो, हमें लड़की ला दो, हम कहां से लड़की ला दें बीनने के लिए, क्या क्या जाते हैं अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और लड़की ला दो नहीं आती है, कोई अकेले में एक आध लड़की मिल जाती है उसे पकड़ के अंदर ले जाते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते, मार कूट के ना बाहर फेंक देते, क्या कहें। ये मडल करा इन्होंने, क्या कहें, और चूड़ी पड़ी है गेट के सामने इनकी, क्या क्या लड़की की अंदर एक बार दिखा दें आपको, वो जगह भी दिखा दें जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी मिली थी, और जैसा परिवार आरोप लगा रहा है कि कूड़ा बीनते थे ये लोग, और आज सुबह कूड़ा बीनने के लिए सभी लोग साथ में आए हुए थे, और यही पर पड़ी मिली थी कंपनी जी, यही क्या थी, और और आप देख सकते हैं यही इसी जगह पर आज डेड बॉडी मिली थी, फेंक दिया बीन के, क्या कहें, यही पड़ी थी। हर बार में यही करते हैं, एक दो लड़की को पहले पकड़ी ऊपर सुबह की पकड़ी, और सांझ हो गई ढूंढते ढूंढते जब लड़की चिल्लाई है, जब उसके माँ बाप आ, जब इन्होंने छोड़ी है, क्या कहें, यही चूड़ी पड़ी थी इन्होंने, अगर चोरी कर रही थी पुलिस में दे देते, रिपोर्ट कर देते हैं, इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा। कितनी उम्र थी उनकी जिनकी जिन्हें मारा गया? ज्यादा से ज्यादा 40-30 साल की होगी। अभी हमारे में सब छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, हम लोग मदारी आदमी है। एक लड़की है, क्या कहें, और आप देख सकते हैं ये चूड़ियों के टुकड़े तक यहाँ पर पड़े हुए हैं, और जो लोग देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, एक महिला की मौत हुई है यहाँ पर, और जैसा परिवार आरोप लगा रहा है, और ये सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, मर्डर करके उसे फेंक दिया गया। जब वो इनके साथ सुबह आई थी उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन जब उसकी लाश इन लोगों ने देखी है तो उसके लाश पर जले के निशान है, जैसे उसे करंट लगाया हो, उसके गाल पर जले के निशान है, और अभी भी यहाँ पर चूड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। अगर इसने चोरी करी थी तो पुलिस किस लिए आई? कंप्लेन डमाओ तो पुलिस अपने आप, अभी तो पुलिस आई है। गलत कह रहा हूँ आंटी, अब तुमने इसका मर्डर मार दिया, पुलिस बुला ली, गरीब आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, इसको सील कराओ, इस खोखे में आग लगवाओ। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम तो आंटी मैं जानता नहीं हूँ, मैं भी मजदूर आदमी हूँ। इसको इस खोके में आग लगाओ, इसको खोके को हटवाओ यहाँ से। ये गरीब आदमी नहीं जिंदगी, नहीं फिर गरीबों को मार दो, फिर क्या, गरीबन को मार ही दो, फिर मालदारी आदमी रहने लगो, बच्चे कहाँ से पलेंगे, इनको जेल दे दो बच्चों को। सब न्याय तो सबके लिए समान है, है नहीं है आंटी, है इंसाफ करो जी। मैं मानना हूँ तुम्हारी चोरी करी मैंने, मुझको सजा पुलिस देगी, पुलिस के हाथ में दे दो, ये क्या तुम मार रहे हो आदमी को, भाले फेंक रहे हो, गलत कह रहा हूँ, ये गलत बात है आंटी बहुत। क्या नाम था इनका? जो नाम क्या था, नाम क्या था? सबनम। और उम्र? उम्र की, उम्र कितनी थी लड़का? 24-25। 24-25 साल की शबनम थी, और आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ जमा है, आप सब साथ काम करते थे? तीन बच्चे हैं उसके, और ये सभी लोग साथ काम करते थे, आज भी जैसे रोज काम करने आते थे वैसे ही आज भी ये लोग अपने काम पर आए थे, और सुबह कितनी लेडीज आई थी साथ में? सब अलग अलग होके बीनती हैं, अलग अलग होके कूड़ा बीनने लगी, जो इनकी रोजमर्रा जिंदगी है जिससे इनका गुजारा चलता है, कूड़ा बीनने से अपने परिवार पालते हैं, पेट पालते हैं और गुजर बसर करते हैं, और आज भी उसी तरीके से ये सुबह घर से निकले हैं, कूड़ा बीनने के लिए निकले हैं, और फिर अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद जब दो घंटे बाद इन्हें पता चला, दो घंटे बाद कितनी देर बाद पता चला? दो घंटे बाद, लगभग दो घंटे बाद इन्हें पता चला कि शबनम जो है उसकी मौत हो चुकी है, और जिस हालात में उसका शव मिला है, जो ये बता रहे हैं, जब इनके साथ आई थी तो उसके शव पर कोई नहीं, उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन जो उसका शव मिला है शव पर निशान है। लेडीज संग थी तो वो तीन चक्कर खा गई के इस गली में वो आई है, तो इस गली में से जो चक्कर खाती रही वो मिली नहीं। अच्छा, पहले ढूंढना है मैडम, ये कंपनी सीज होनी चाहिए, कंपनी में हस्बैंड का, कंपनी वाला जो भग्गा शबनम का हस्बैंड, छोटे बच्चे, उसका नाम है ताहिर। है कहाँ वो? दे नहीं पे, ये ताहिर, उन्हें बुलाओ, ताहिर का। और ढूंढते रहे फिर उन्हें? हाँ ढूंढते रहे, नहीं मिली तो
तो फिर बाद में मिली है, वो भी दूसरों ने कही है कि भाई एक लेडीज तुम्हारे संग की कूड़े वाली वहाँ मरी पड़ी है, उन्होंने बताई है, जब घर वालों को पता पड़ी है, जब भभक के आए। आप देख सकते हैं फरीदाबाद इस वक्त पुलिस भी पहुंची हुई है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तमाम फिर पुलिस वालों को बुला लिए, क्लास पड़ी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ है, बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या है। कंपनी अंदर घुसने नहीं दे रहे, और बात करेंगे, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, क्या मामला निकल कर आया है। और पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, मामला जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, और क्या सर मामला? मैडम ऐसे है कि अभी हम पहुंचे हैं, एक लेडी यहाँ मिली है जो कि थोड़ी उसके हिप्स के नीचे टांगों पे थोड़े से जले हुए के निशान है, चेहरे पे थोड़ा निशान है गाल पे, वो हम इसका पोस्टमार्टम अभी करवाएंगे, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा अभी एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो अभी शुरू में हम शुरुआत ही अभी आए हैं, देखा है, इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा क्या चीज़ है। ये लोग कह रहे हैं पहले भी यहाँ ऐसा हादसा हो चुका है, लड़कियों को पकड़ कर मारा पीटा गया है सुबह से शाम तक। हमें ऐसे नहीं पता, ना हमारे पास कभी ऐसी कंप्लेंट आई, पहले के बारे में हमें नहीं पता। तो अभी पुलिस पहुंची है, तफ्तीश जारी है और लगातार यहाँ पर तफ्तीश करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, वो जिसके साथ पहले मारपीट हुई थी वो कहाँ है। और आप देख सकते हैं, हाँ इधर बुला देंगे उन्हें, पहले भी बता रहे हैं यहाँ जो कंपनी में पहले भी मारपीट हो चुकी है और लड़की को सुबह से लेकर शाम तक बंधक बनाकर रखा गया और मारपीट करी गई है। वो बच्ची आपके यहाँ की थी जिसके साथ पहले बंधक बना के मारपीट करी गई? नहीं जी, वो उनके साथ गई थी। अच्छा, वो बुला देंगे उन्हें? हाँ बुला दो, एक बार बुला दीजिए। और लगातार ये दूसरा हादसा है, गुरु कृपा इंजीनियरिंग वर्क्स है यहाँ पर सेक्टर 58 में, और सुबह सुबह कूड़ा बीनने आई एक महिला मृत अवस्था में पाई जाती है, और साथ के जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं, पूरा जिसके साथ पहले मारपीट हुई है वो लड़की आ गई जी। वो लड़की तो वहाँ कॉलोनी में रहती है जी, उसकी मम्मी है जी। हाँ जी, मम्मी है उसकी। पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास कोई न्यूज नहीं दी गई, मतलब हमारे पास कोई खबर नहीं दी गई। मारी थी उसे सवेरे से बंद करके, इन्होंने शाम को छोड़ी थी, ना कोई रिपोर्ट। पुलिस वालों से बात करिए तो वो कह रहे हैं कि किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, अगर कंप्लेंट करी होती तो एक्शन लिया जाता और शायद ये हादसा होने से बच जाता। ना तो लड़की वालों ने कंप्लेंट करी जी, और ना कंपनी वालों ने। कंपनी वाले तो करेंगे ही नहीं ना, कंपनी वालों ने तो पीटा है जैसा आरोप लगा। सामान उठा रही थी, पुलिस से पकड़वा देती, पकड़वा देते उसको। अब उन्होंने तो क्या पकड़ी शाम को छोड़ी थी उस लड़की को, उसके घर वाले डर गए जी, हम रिपोर्ट करेंगे तो हम पे कुछ है नहीं, जो हमारी कौन सुनेगा, गरीब आदमी की नोगे। वही तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में रिपोर्ट नहीं करी, रिपोर्ट नहीं करी, मारी थी उस लड़की को, लिया था जब छोड़ दी उस लड़की को, नहीं उसको अभी मर्डर करके ऐसे फेंक देते। उसकी माँ घर के कंपनी के आगे बैठी रही शाम तक, शाम को 4 बजे छोड़ी थी उसे भी, अगर वो चली जाती तो उसका भी काम हो जाता। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, और आज बता दें आपको एक महिला सुबह, ये सभी लोग यहाँ पर कूड़ा बीनते हैं और कूड़ा बीनकर अपने घर का गुजर बसर करते हैं, पालन पोषण करते हैं अपने बच्चों का। सुबह भी जैसे ये रोजाना आते हैं वैसे ही आज सुबह भी ये लोग अपने काम पर आए थे। महिलाएं अलग अलग हो गई, जब उनमें से एक महिला शबनम का कुछ पता नहीं चल रहा था, ढूंढने के लिए बाकी 7 की महिलाएं आई और
कुछ देर बाद उन्हें पता चला, लगभग 2 घंटे बाद उन्हें पता चला कि शबनम का जो शव है, जो डेड बॉडी है, वो यहाँ पड़ी हुई है। और उसकी जो हालत थी, जैसा जो साथ आई महिलाओं ने बताया कि जब वो उनके साथ आई थी उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन बाद में उसके गाल पर और उसके पैरों के नीचे जले के निशान थे। अभी हमने पुलिस से भी कंफर्म किया तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया कि उसके पैरों पर जले के निशान पाए गए हैं और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि क्या रहा इसकी मौत का कारण, क्या रहा, कैसे हुई इनकी मौत। पहले भी बता रहे हैं यहाँ के लोग, पहले भी बता रहे हैं इस कंपनी में यहाँ पर पहले भी एक लड़की के साथ मार पिटाई करी गई। सुबह से लड़की को बंधक बनाकर रखा गया, शाम तक पीटा गया और उसकी माँ गेट के बाहर खड़ी रही, तब जाके शाम को उसे छोड़ा है। शाम को छोड़ा था, ये कंपनी वाले यही काम करते हैं, वर्कर भी और जे भी, बेहोश मार कर दिया था सिर में मार के उसके। और उस लड़की बेहोश हो गई थी वो लड़की, उस लड़की की ना उसके माँ भोरी सारी बाहर खड़ी थी, इतनी जुते चीखे निकल रही थी उस लड़की के, और हाथ पैर बांध के गिर रखे थे। इसके घर वालों ने ना मालिक के हाथ जोड़े, पैर छुए, जब जाके के आवाज आ रही है इसमें मेरी लड़की बंद है, जब उसकी माँ को पता चली थी। हाँ तो अपने पुलिस में देते कि ये मर्डर करते हैं, मर्डर करके कंपनी का बाहर फेंक देते। क्या उम्र थी उसकी लड़की की जिसे पहले पीटा गया? उसकी उम्र इतनी बड़ी थी वो लड़की, जैसे जो खड़ी इतनी बड़ी थी। हम तो यही कहेंगे अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो पुलिस सबके लिए समान, पुलिस सबके लिए समान है। पुलिस नहीं, आप लोग भी पुलिस में जा सकते हैं, पुलिस तो सबके लिए समान है। अभी भी ये जो केस हुआ है इसमें आप लोग भी कंप्लेंट कराएंगे, आप अपनी तरफ से भी कंप्लेंट कराइए, आपका साथी के साथ ऐसा हुआ है। पुलिस को पैसा भर देते हैं मालिक, हमारी सुनवाई कहाँ होती है? नहीं होती सुनवाई, जब मालिक पैसा देते हैं, जब इनके खिलाफ कुछ करते हैं तो हम जब पुलिस को पैसा भर देते हैं तो मई की मई बात खत्म हो जाती है। हम क्या करें, गरीब आदमी कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं, हमारी सुनता कौन है? आपको नहीं लगता उस लड़की के साथ जब गलत हुआ, उसको मारा पीटा गया, तो पुलिस कंप्लेंट करी जानी चाहिए थी? और कहीं ना कहीं अगर पुलिस में कंप्लेंट होती तो ये जो हादसा ये होने से बच जाता। सुन तो लो आंटी, अब ये पैसे वाले ये कहाँ से देंगे? ये बीनने वाले, ये बच्चे पालेंगे या उन्हें देंगे? न्याय के लिए पैसे की जरूरत नहीं? अरे नहीं आंटी, थोड़ा पैसा भी काम करता है आंटी, ये बात नहीं पैसा काम करता। हम देंगे 1,000 और ये देंगे 10 लाख, तो नौ बताए 10 लाख काम करेंगे या हमारे 1,000 काम करेंगे? तुम बतलाओ, हम तो तुम्हारे बच्चे, तुम ही बतला दो, 1,000 काम करेंगे या 10 लाख काम करेंगे? वही तो काम करेंगे जिसका मोटा प्याला जा रहा, तो बस तो इनकी चल रही है, गरीब आदमी ये कहाँ से देंगे? सुबह को कमा लेंगे तो शाम न्याय, न्याय ये काम है इनका। न्याय में अब आप इंसाफ की वो करिए और आप लड़िए अपने हक के लिए। इंसाफ इंसाफ यही है कि 3 बच्चे 45,000, जब तक इनकी शादी होवे 45,000 रुपए महीने की तनख्वाह बांधे और ये सील होवे और ये खोका हटे यहाँ से, ये इंसाफ है? इस अगर कोई इंसाफ पैसे नहीं। पैसे दे गए और पैसे पैसे दे गए और उन्होंने बंद मुंह भेज देंगे, केस खत्म हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए, कंपनी सीज होनी चाहिए। एक बार और मार लगाई, एक लड़की बंद करके सुबह की बंद करी और 8-9 बजे छोड़ी इन्होंने, माल लगा के करंट लगाए वाके और वो लगाए ऐसे, अगर उसके छोटी छोटी उसका तो हिसाब मिलना चाहिए, बच्चों को खर्चा मिलना चाहिए। वो तो बेचारा ड्यूटी आता मजदूर है, वो तो उसे बेचारे रोड से होश ना आवे, तो बेचारा ये तो पब्लिक सीधी है ना, आग लगा दी थी कंपनी ने। बताओ आंटी जी ऐसे ही करते हैं तो बताओ, हम कूड़ा कबाड़ा शाम को सुबह बीनते हैं शाम को खाते हैं, हमारे कोई खेती बाड़ी नहीं है, यही धंधा करते हैं हम, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हैं, जो जंगल में से लड़कियों को पकड़ते हैं और कंपनी के आगे बच्चों को मारते हैं। फरीदाबाद आपने देखा, यहाँ जितने भी लोग हैं और एक ही मांग रख रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। आदमी मार दिए ऐसे तो इन्होंने, बंद कर ले माल ले, गरीब आदमी तो रहने का ही ना कोई, बताओ आप गरीब आदमी का खाएगा बताओ, जब इनका कूड़े का ढेर रखा है दुनिया भर। आंटी तुम भी समझदार हो, हमारे भी इज्जत है आपके भी इज्जत है, ये लोंडिया मांगे इनको लोंडिया कहाँ से ला के दे में? इतने बड़े तीरंदाज हो गए, इतने बड़े मौत खां हो गए, इन्हें लोंडिया ला के दे में हम कहाँ से ला के देंगे लोंडिया? बतलाई हो तुम बतलाओ, इज्जत हम भी रखते, कोई अपनी बेटी ला के दे देगा इनको? है यही पैसा वाले हो गए, पैसा से ढक लेंगे और चीज है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ हैं, सिर्फ एक ही मांग करी जा रही है कि ये जो शबनम है इसे इंसाफ मिलना चाहिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।